अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतुलैन आयशा और आप देख रहे हैं क्यूटी आयशा मेंटोर। ओके, आज हम देखेंगे कि हमने ये जो आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है एक साइन, ठीक है, डिजिटल साइन है, सिग्नेचर है, ये ईमेल सिग्नेचर है, ये डिज़ाइन करके या क्रिएट करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आगे चलने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ओके जी, आपने बहुत सारी जो ईमेल्स हैं आपने उनमें अक्सर देखा होगा कि इस किस्म के सिग्नेचर हुए हुए होते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं, इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसका क्या तरीक़ेकार है, यार सारा हम देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि फाइबर पे इसकी क्या डिमांड है, ठीक है। ये देखिए जी, ये फाइबर हमने खोला हुआ है, इसके अंदर हम कर लेते हैं ये ऑनलाइन सेलर्स हैं, ठीक है, कितने हैं ये भी आपको मैं देखें, इतने ऑनलाइन सेलर्स हैं, ठीक है, कोई इतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप भी इसके अंदर आ सकते हैं और ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो है आई विल डिज़ाइन आई कैचिंग बिजनेस कार्ड एंड ईमेल सिग्नेचर, ठीक है, वो ये दे रहा है क्लिकेबल HTML। ओके, इसको देखते हैं ये क्या दे रही है, दे रहा है या दे रही है, खतून है कि कौन है, आई डोंट नो। ओके, इस किस्म के जैसे अभी मैंने आपको अपनी ईमेल पे दिखाया, ये आप क्लाइंट को देते हैं और वो ब्रांडिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता है, प्रोफेशनल ईमेल्स के लिए यूज़ होता है। तो इसके थ्रू आप फाइबर पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ये आपके सामने है। ये PKR में देखें, हमने इन खतून को खोला है, खतून है कि पता नहीं कौन, आई डोंट नो, भाई साहब हैं, ओके, भाई साहब नज़र आ गया। तो ये पैकेजेस इन्होंने बनाए हुए हैं, उसके अंदर देखें यही है, मतलब आप कलर स्कीम इसकी कर सकते हैं और जैसे भी आपको डिज़ाइन फॉर्मेट चाहिए, आपने मतलब सैंपल बनाने हैं 3-4 अपने ही ब्रांडिंग, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कीवर्ड्स अटैच करने हैं, ये आप जब इसको सर्च करेंगे ना, आपने क्या लिख के सर्च करना है, ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइन, ईमेल सिग्नेचर डिज़ाइन लिख के आप इसको सर्च करेंगे और आपके सामने गिग्स आ जाएंगी, उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लगेगी उसको आपने खोल लेना है और उसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है कि ये 2-3 जितने भी हाई रेटेड हैं या लेवल 1 या 2 के सेलर्स हैं आपने उनको खोल लेना है अलग अलग विंडोज़ में, उनकी आपने सर्विसेज देनी है, देखनी है कि वो क्या दे रही हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड पैकेज में क्या दे रही हैं, प्रीमियम में क्या दे रही हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे आप, मतलब आपने क्या करना है, अगर ये उसका क्लिकेबल, ये उसका कीवर्ड होगा ये वाला और ये उसका कीवर्ड होगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है, ठीक है, उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, एक वेबसाइट है सिग्नेचर हाउंड, ठीक है, वो आपने खोल लेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है, आप फ्री साइन अप करेंगे। फ्री साइन अप जब आपने किया, लेट मी साइन अप, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल एड्रेस है, और एंड में आपने पासवर्ड, ओके, देन आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट कर लिया, सेव कर लें, मतलब आप कभी फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपने आना है न्यू सिग्नेचर पे, आपने सिग्नेचर का नाम रखना है, चलें बिल फर्ज आप रख लें क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट नंबर 1, ओके,
आगे आप करें क्रिएट, क्रिएट किया, यहाँ पे देखेंगे आपको टेम्पलेट्स की दे रहा है ऑप्शंस, ठीक है। अब जैसे ये उसने प्री सिलेक्टेड है, ठीक है, ये प्री सिलेक्टेड है। उसके बाद आप नीचे आए यहाँ से, ठीक है, सिंगल कॉलम, मतलब ये जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। मैंने आपको पहले कहा है आपने सबसे पहले फाइवर पे रिसर्च करनी है कि लोग दे क्या रहे हैं, ठीक है। आपने फिर इन सारे फॉर्मेट्स में अपनी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करके एज अ पीडीएफ, ठीक है, एज अ सैम्पल आपने वहाँ पे अपलोड करनी है कि ये फॉर्मेट्स में मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आप इसमें से बताएं कि आपको कौन सा पसंद है। तो आपने ऑब्वियसली फ्री वाले कस्टमाइज अपने अकॉर्डिंग करके, ये देखें कितने ढेर हैं, बहुत ढेर हैं, ये देखें, ये है, ये है, ये है। फिर आपने पर्सनल इन्फो, जैसे आपकी अगर प्रोफाइल इमेज है तो आपने वो इधर लगा देनी है। ठीक है, फ़र्ज़ किया ये हमने लगा दी, वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, 100 पिक्सल है, इसको भी हम कर सकते हैं, मतलब ये देखिए ऐसे कर दिया, इतना कर दिया, 150 कर दी, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपने उतनी कर दी। नेम आपने अपना जो भी आपका है आप वो रखेंगे, ठीक है। ओके, देन आप कहेंगे सीईओ कर लें या जो भी आपका पोस्ट, आप डिज़ाइनर हैं आप डिज़ाइनर का कर लें, आप जो भी हैं, अब जैसे ये मेरी निश है, ठीक है, ये मैंने अपना कर दिया, ठीक। अब आप मज़ीद नीचे आएंगे, वो आपसे पूछेगा डिपार्टमेंट कौन सा है जी, और यहाँ आपने अपना ईमेल आईडी दे देना है। ठीक, अब ये क्या है, ये है मेन नंबर, आपने इधर मोबाइल नंबर देना है, डायरेक्ट नंबर देना है, टेलीफोन नंबर देना है, स्काइप नंबर देना है, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज करोगे। देन बिजनेस इन्फो पे आओगे, यहाँ पे अब आपका ये चीज़ लगेगी, एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आपका यहाँ पे कहीं पे ये शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने कंपनी नेम लिखना है, मतलब ये सारे प्रोटोकॉल्स आप जब पूरे कर लोगे देन आपने डिज़ाइन में आना है, और इसमें आपने शो आइकन्स करने हैं नहीं करने हैं, ये देखिए आइकन्स इधर से गायब हो गए थे। स्वैप प्रोफाइल इमेज ये मतलब नीचे करना है, ऊपर आप इधर छोटा सा एक बैनर ऐड कर सकते हो यहाँ पे, या लोगो ऐड कर लो, या वट एवर यू वॉन्ट। आपने शो कराना है नहीं कराना, वर्टिकल लाइन करना है नहीं करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, ये भी वो कह रहा है कि मतलब किस किस्म का रखना है आपने, स्केयर में करना है, राउंड में करना है, जो डिफ़ॉल्ट है वो सिर्फ खाली आइकन है, ठीक हो गया, आप राउंड में कर लो। साइज़ भी आपको वो दे रहा है कि आपने 18 पिक्सल करना है, 19 करना है या कितना करना है, ठीक है, 18 ही ठीक है क्योंकि आइकन्स इतने बड़े नहीं होते हैं। ओके, उसके अंदर फिर हमने क्या किया, सोशल मीडिया आइकन साइज़, ठीक है, आइकन साइज़ हमने 30 किया हुआ है, तो इसको आप 20 कर लो, 18 कर लो, 24 ठीक है। ये लाइनें आपने शो करनी है नहीं करनी, उनका कलर क्या हो, ये 2 पिक्सल करनी है, 5 पिक्सल, 6 पिक्सल, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, कलर ये देखें, ये लाइन के कलर हो गए, रेड कर लो, ग्रीन कर लो, ब्लू कर लो, यहाँ से फिर ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, ठीक हो गया।
आइकन कलर हैं वो आप चेंज कर सकते हो। ये ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सोशल मीडिया आइकन कलर्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइटल कलर है, टाइटल कलर है जी, कुछ भी कर लो। ये देखो टाइटल कलर, ये जो आपका ये है ना, ये टाइटल कलर है आपका। आपने ब्लैक रखना है, ब्लैक रख दो। देन टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर ग्रे सा है, आप उसको क्या करना चाह रहे हो, उसको भी ब्लैक कर लो। मतलब ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसको खुद से एक्सप्लोर करोगे, देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। एंड में ठीक है, ये मैं आपको नहीं छेड़ रही क्योंकि ये अब आप खुद एक्सप्लोर करोगे। सेपरेट वेबसाइट है तो आपने कर देना उसको कि स्पेस आ जाएगी, आप जब उसमें लिंक दोगे तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अच्छा जी, कॉल टू एक्शन हमारा क्या है? फर्ज करें जी, हम कोई भी लगा देते हैं यहाँ पे। चलो ये लगा दिया। उसको हमने दे दिया अपना लिंक, ठीक है। वेबसाइट पे आप जाओगे, आप अपने फेसबुक के पेज पे जाओगे, आप अपने फाइबर की प्रोफाइल पे जाओगे, वो लिंक उठाओगे, यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। फिर जितने मर्जी आप, मतलब एक सेकंड है, एक फर्स्ट है, सेकंड में आप क्या कर रहे हो, सेकंड में आप मतलब ये कॉल टू एक्शन दे रहे हो, ठीक है। सेकंड में आपने कुछ और दे दिया, और देन क्यों नहीं कर रहा, अच्छा चलो फर्ज करो ये कर लिया, चलो ठीक हो गया। ये देखेंगे इधर ऐसे आ जाएगा, इधर एक आ जाएगा, इधर दूसरा आ जाएगा, इस तरह से काम करेगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि ये देने की ज़रूरत होगी। उसके बाद आपने डिस्क्लेमर देना है, दें नहीं देना ना सही, क्लियर करना है क्लियर कर दें, और दैट्स इट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इंस्टॉल शेयर की भी ऑप्शन है, शेयर जब आप करेंगे तो इसका शेयर लिंक होगा, ठीक है, वो देख सकेंगे कि ये कैसा बना है, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स है तो वो करवा लेंगे। और इंस्टॉल सिग्नेचर जीमेल में, ये सब ऑप्शन है कि आप इसको कॉपी सिग्नेचर टू क्लिपबोर्ड करें या कॉपी सिग्नेचर एज सोर्स कोड करें। देखिए HTML वाले मैंने आपको दिखाए थे कि लोग HTML में दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सोर्स कोड के तौर पे यूज़ होगा। और देखें लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं भाई, ये देखें बेसिक में देखें, 1 डे 2 डेज डिलीवरी, यहाँ ना कि 2 डेज वाली इसमें बात कोई नहीं है, 2 सेकंड में बन सकता है, ठीक है ना। सोर्स फाइल है, वो सोर्स फाइल ऐसे ही बनेगी, ठीक है। ये सोर्स फाइल है, आपने मतलब ये ऑप्शन इतनी ढेर आ रही हैं, डाउनलोड सिग्नेचर है, सोर्स फाइल भी, क्लिप बोर्ड है, कॉपी सिग्नेचर है, सोर्स कोड है, ठीक है। अब बहुत ही कोई जो है ना क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि नहीं जी आप ही मुझे इंस्टॉल करके दें, तो उससे आपने यहाँ पे देखना है कि वो क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कि हम उसे क्या क्या कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर तो वो कहता है कि ठीक है आप HTML का ही दे दें, तो आप जो है उसे दे दोगे। अगर वो कहता है कि जी नहीं जी आप करके दें, तो आपके पास उसकी जीमेल की एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेस होगी तो आप उसको इंस्टॉल करके दोगे, और वो कैसे करोगे, यहाँ सेटिंग्स में जाओगे, सी ऑल सेटिंग्स, और यहाँ पे आप नीचे आते जाओगे और यहाँ पे है सिग्नेचर की एक ऑप्शन आती है, ये देखो सिग्नेचर, ठीक है। क्रिएट न्यू किया, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो आपने लिख देना, XYZ whatever, और यहाँ पे लाके आपने वो पेस्ट कर देना क्लाइंट का, अगर तो वो आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स देता है उस सिनेरियो में, नहीं तो आपने उसे ये प्रॉपर गाइड करना है कि आप वो कहाँ पे जाके लगाएं,
ठीक है, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।